किसी भी नशे में एक बुरी बात क्या है जानते हो? ये तुम्हें या तो अतीत में ले जाता है या भविष्य में, और इसलिए तुमसे तुम्हारा वर्तमान छीन लेता है। वो वर्तमान जिसमें तुम अभी की इस क्षण की खूबसूरती की अनदेखी करते हो, उसका अनुभव ही नहीं करते। साई, मैं समझा नहीं। काशी, तुम अभी नशे के विचार में इतने उलझे हुए हो कि तुमने महसूस ही नहीं किया कि आज की ये सुबह कितनी खूबसूरत, कितनी असाधारण, कितनी खास है। ये हवा के झोंके, ये पक्षियों का संगीत, जैसे ये सब भी किसी खास इंसान के स्वागत की तैयारी में लगे हों। हर मनुष्य को अपने जीवन काल में ये चार कर्तव्य अवश्य पूरे करने चाहिए। पहला है धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा है काम और चौथा है मोक्ष यानी मुक्ति। इनमें से जो पहले तीन हैं वो पत्नी के सहयोग से पूरे किए जाने चाहिए, लेकिन चौथा मोक्ष पाने के लिए इंसान के उसके निजी सत्कर्म ही साथ देते हैं। इसमें कोई सहभागी नहीं हो सकता है, इसलिए मोक्ष प्राप्ति की अंतिम यात्रा इंसान को अकेले ही तय करनी पड़ती है। तो भक्तों, ज्ञानेश्वरी का यह 12वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। अगला अध्याय हम लोग शाम को शुरू करेंगे। पांडुरंग हरि, पांडुरंग हरि, ओम साई राम। इतने अच्छे से पाठ सुनाया है इन्होंने, आखिर है कौन ये महापुरुष? तुम इन्हें नहीं जानते? बहुत बड़े साईं के भक्त हैं, बापू साहेब जोग जी। सुबह शाम यहाँ शरणार्थियों को एक नथी भागवत और ज्ञानेश्वरी का पाठ करके सुनाते हैं। बड़े भले आदमी हैं जोग जी। अच्छा, तो ये हैं बापू साहेब। बहुत अच्छा पाठ किया है आपने। सब साईं का आशीर्वाद है। ओम साईं। केशव, तुम आओ मेरे साथ। चिट्ठी में लिखा है कि वो जंगल के रास्ते शिरडी पहुंचेंगे। बापू साहब, आपने साथ आने के लिए तो कहा, लेकिन कुछ बताया नहीं। कौन आने वाला है? ये वो व्यक्ति हैं जिनसे हमारा खून का कोई रिश्ता नहीं, लेकिन हम सबको उनसे एक रिश्ता है, मिट्टी का रिश्ता। अब तुम्हें बेचैन हो रहा हूं जानने के लिए, बताइए ना कौन है। तुमने मणिकांचन योग के बारे में सुना है और दुग्धशर करा योग? नहीं, क्या है ये? ये वो मुहूर्त है जिसमें या तो दो मंगल घटनाएं घटती हैं और या फिर दो महान व्यक्तियों की भेंट होती है, और शिरडी में यही होने वाला है। हमारे साईं बाबा से मिलने के लिए एक बहुत महान व्यक्ति पधारने वाले हैं, और हम लोग इस ऐतिहासिक भेंट के साक्षी बनेंगे, और आज का दिन स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। ये बहुत ही गलत बात है बापू साहब, आप पहलियों में बात कर रहे हैं।
और मेरी जिज्ञासा मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। अब तो नाम बता दीजिए। साईं बाबा कहते हैं ना, सबूरी रखो, साक्षात दर्शन कर लेना। बस अभी आने ही वाले हैं, समय के बड़े पक्के हैं वो। प्रणाम साईं। राम जी भला करें। साईं, ये किस लिए? काशी, तुम अब्बा जी के साथ इनके घर जाओ, वहां जाकर इस अजवाइन को 7 लोटे पानी में 2 घंटे तक भिगो कर रखो। फिर उस पानी को धीमी आंच पर तब तक पकाओ जब तक पानी 1/3 ना हो जाए। फिर उस पानी को एक कपड़े से छानकर एक बड़े से लोटे में जमा करो और उसे यहां ले आओ। लेकिन याद रहे, ये काम तुम्हें अप्पा जी और बाईजा मां की निगरानी में ही करना है। जी, जाओ। मन में साई के क्या है, कौन जान पाए। ओम साई ओम। प्रणाम साई। राम जी भला करें। रामदासी जी और बाला साहब कहाँ हैं? वो हर शनिवार शनिदेव के मंदिर जाते हैं पाठ और हवन करने। अच्छा। साई, गोविंदा ने कहा तुम्हें द्वारका माई में रंगोली बनवानी है। लक्ष्मी, पहले हमें द्वारका माई को अच्छे से साफ करना है, इसे सजाना है और एक सुंदर सी रंगोली भी बनानी है। साई, आज कुछ खास बात है क्या? तात्या, हमें किसी का स्वागत सत्कार करना है। कौन आ रहा है साई? जरूर कोई खास व्यक्ति होंगे। माँ और मातृभूमि की सेवा को जो अपने जीवन का लक्ष्य मानकर सब कुछ समर्पित कर दे, वो महान ही होगा। हमारे पास समय नहीं है, चलो काम शुरू करते हैं। जी साई। साई। समय तो हो गया, बस रास्ते में कोई परेशानी ना हो गई हो। आ गए वो। Yeah.
साई को इतना उत्साहित मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। कौन है वो महान इंसान जिनके लिए साई इतने खुश हो गए हैं? ये तो दादा साहब खापाड़े जी हैं। तुम जानते हो इन्हें? हमारे देश के सबसे सफल वकीलों में से एक। लोकमान्य तिलक जी का मुकदमा भी इन्होंने ही लड़ा था। ये तो साई से मिलने पहले भी आ चुके हैं। बहुत मानते हैं साई को। पर इनके साथ कौन है जिसको इशारा करके बुला रहे थे? लोकमान्य तिलक जी, चरण तो माता पिता गुरु या ईश्वर के छुए जाते हैं। उठो। आपके दर्शन पाकर जो आपके चरणों में नतमस्तक ना हो वो बड़ा बदनसीब होगा। ये केशव है। जीते रहो। आप मुझ जैसे लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। भले स्वराज का नारा हो या आपके द्वारा प्रकाशित अंग्रेजों के कूटनीतियों पर लेख, आपका हर योगदान हम जैसे कई नौजवानों को आगे बढ़ने की शक्ति, दिशा और उम्मीद देता है, लाइट हाउस की तरह। ये केशव बहुत ही सच्चा देशभक्त है। ये कई साल लंदन में रहा है और वहां इसने बैरिस्ट्री की पढ़ाई भी की है। ये चाहता तो वहीं बस सकता था, लेकिन इसे अपने लोग, अपनी मिट्टी से बहुत प्यार है, इसलिए ये कहीं नहीं गया। इसलिए जब खापड़े जी का पत्र मिला कि आप शिरडी आ रहे हैं साई बाबा से मिलने, तो ये मेरे साथी था, मैं इसे भी ले आया आपसे मिलाने। लेकिन खापड़े जी, आपने पहले किसी को क्यों नहीं बताया? हम तैयारी करके रखते। वो इसलिए नहीं बताया ताकि इनके आने से पहले अंग्रेज सरकार को इनके आने की खबर ना हो, वरना वो तुरंत इन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस भेज देते। वैसे तिलक जी लंबे समय से साई बाबा के दर्शन करना चाहते थे, लेकिन कहते हैं ना, जब साईं चाहेंगे तभी उनसे भेंट संभव होगी। ऐसे ही कुछ हुआ, हम किसी काम से संगमनेर आए, शिरडी नजदीक थी, अचानक ख्याल आया तिलक जी को साईं से मिलवा दूं। यह तो आपने बहुत अच्छा किया, बाबा इनसे मिलकर बहुत खुश होंगे। दादा साहब से साईं की महानता के बारे में बहुत सुना था, उनसे मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। तो देरी कैसी, आइए। साईं बाबा आपको देखकर चकित हो जाएंगे, उन्हें नहीं पता कि आप उनसे मिलने आने वाले हैं। तो चलिए।
जहां आज भी कई गांवों में जाति और धर्म के आधार पर कुएं बांटे जाते हैं, वहीं साई की शिरडी में ऐसी एकता देखकर अच्छा लगता है। सब लोग एक ही कुएं से पानी पी रहे हैं, इसी भारत का स्वप्न देखा है मैंने। साई ने इतने सालों में सबको यही सिखाया है कि हमारी एक ही जाति है इंसानियत, और एक ही धर्म है मानवता की सेवा। चलो किसी गांव में इतनी सफाई नहीं देखी। साई की कृपा है, उन्होंने हमेशा प्रकृति का सम्मान किया और हमें भी करने के लिए प्रेरित किया है। साई कहते हैं कि जिस भूमि में हम जन्मे हैं उसकी देखभाल करना, उसको साफ रखना हमारा फर्ज है। रंगोली कैसी बनी है साई? बहुत सुंदर। साई, साफ सफाई भी हो गई, फूलों की लड़ियां भी लग रही है, रंगोली भी बन गई, लेकिन मेहमान साई? शिरडी की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं श्यामा, आते ही होंगे। तुम अपने घर से अतिथियों के लिए भोजन बना के लाओ, हम उन्हें यहां द्वारका माई में खाना खिलाकर ही भेजेंगे। जरूर साई। बाबा बाबा बाबा। क्या हुआ बेटा? बाबा, आज की परीक्षा में मुझे पूरे अंक मिले और अध्यापक जी कह रहे थे 10वीं कक्षा के बाद मुझे नगर जाकर पढ़ना चाहिए। आई आई, अरे आई। यहाँ का हर बच्चा पाठशाला के आगे भी पढ़ता है। जी, और कईयों का तो ये सपना है कि वो आपके द्वारा पुणे में स्थापित फर्ग्यूसन कॉलेज में जाकर पढ़ाई पूरी करे। शिक्षा को लेकर जागरूकता भी साई की देन है। उन्होंने बार बार शिक्षित होने का महत्व समझाया है। शिरडी में पाठशालाएं बिना किसी रुकावट की चलती रहे, ये भी साई के आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। काश मैं कुछ समय पहले साई से मिल पाता। मन तो करता ही यहीं शिरडी में कुछ दिन और ठहर जाऊं। हर मोड़ पर एक नई प्रेरणा मिल रही है। अगर रुक पाते तो अच्छा होता, लेकिन अंग्रेज पुलिस आपके पीछे है और आपके शिरडी में होने की खबर देर सवेर पुलिस तक पहुंची जाएगी। चलो। साहब ये देखिए। कौन है ये? जानता है बाल गंगाधर तिलक कहाँ है? इसने देखा है उन्हें। किधर है वो? साहब, मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता कि वो वही थे या कोई और। साहब, आजकल गांव के लोग भी बाल गंगाधर तिलक को बहुत मानने लगे हैं। इसको मालूम है, फिर भी बताएगा नहीं। जब तक ये नहीं बताएगा कि तिलक कहाँ है, और अगर फिर भी नहीं बताएगा तो इसकी फुल फैमिली को मारो। सब शिरडी तो हमें शिरडी जाना होगा अभी। आइए, ये है
ये है द्वारका माई। द्वारका माई में आपका स्वागत है लोकमान्य। काकी, 2 घंटे हो चुके होंगे। अजवाइन के पानी को उबालने रख देते तो। बाइजा काकी, पानी एक तिहाई होने में कितना समय लगेगा? 1 घंटा। इतना समय? तुम बैठो।
खापरडे जी, मैं आपका आभारी हूं कि आप इतने महान व्यक्ति को हमारे शिरडी लेकर आए। खापरडे जी, आज हम आपके ऋणी हो गए। आपकी वजह से इस दैविक क्षण के साक्षी बने हैं हम। बापू साहेब, आपको लगता है ये मेरा किया धरा है? ये सब साईं की मर्जी है, सब साईं की लीला है। ऋणी तो हमें साईं का होना चाहिए। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। आपका नारा, आपके निर्भीक संघर्ष ने हम सबको एक विचारधारा, एक स्वप्न से जोड़ दिया है। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आज मैं आपके समक्ष खड़ी हूं। आपने स्वदेशी का मंत्र देकर ना केवल अंग्रेजों का बहिष्कार ही नहीं, बल्कि हमारे हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर होने का बल भी प्रदान किया है। इतनी बड़ी ताकत का सामना करने का बल प्रदान किया है आपने। मेरे विचार तुम जैसे नौजवानों की आवाज में गूंज रहे हैं, उससे मुझे बल मिलता है। और तेज चलाओ, हमें जल्द से जल्द शिरडी पहुंचना है। वो किला कहीं भी नहीं रुकता है, आज तो उसे फखाना है। तात्या, अतिथियों को पानी पिलाओ, मैं अभी आया। जी साईं। पता नहीं क्या हो गया, आगे चल ही नहीं रहे। ऐसा बेकार बैल क्यों लाया तुम? साहब बैल तो अच्छे हैं, पर पहले ऐसा कभी नहीं किया इन्होंने। चलो जो चाबुक पारो आगे बढ़ेंगे। चलो अभी करो, चलो सिखाई के। चलो साहब चल ही नहीं रहे, चलो चलो साहब नहीं चल रहे। अरे चलो रे। साहब मेरी मानिए तो पैदल ही चलते हैं, समय कीमती है। चला ए-
काशीनाथ, जरा ध्यान दो, मैं अभी आई। बाबा ने एक ऐसा काम दे दिया है जिसमें सिर्फ बैठे रहना है। ऐसे बैठे बैठे तो शराब पीने की इच्छा और तीव्र हो रही है। काशीनाथ, कहाँ जा रहे हो? वो पानी उबलने में समय है थोड़ा, वो घूम के आता हूँ। क्यों? पानी? पानी? मेरे काम में पानी ज्यादा लग गया है, तो आपके यहाँ का पानी खत्म हो गया होगा, तो मैं कुएं से ले आता हूँ। रंभा ले आई है, तुम परेशान मत हो। काशीनाथ, तुम साई के आदेश पर यहाँ आए हो। जब तक हम तुम्हें उसके हवाले नहीं कर देते, हम तुम्हें अपनी नजरों से ओझल होने नहीं देंगे। बैठो। आपके लिए भेंट। गीता तो जीवन का सार है लोकमान्य। इंसान की जिंदगी गीता ज्ञान से शुरू होती है और गीता ज्ञान पर ही खत्म होती है। इंसान की जिंदगी का ऐसा कोई हिस्सा नहीं जिसका समावेश गीता में ना हो। लेकिन ये आपसे भला कौन जानता है। गीता के रहस्य को जितना आपने समझा है उतना शायद ही किसी ने समझा हो। आप मेरे बारे में सब जानते हैं। बाबा, मैं लोकमान्य जी को यहां ले तो आया हूं, लेकिन डर है कहीं पुलिस को खबर ना हो जाए। आप तो जानते हैं यहां के मुखिया कुलकर्णी सरकार अंग्रेजों की कितने खास है। पड़े जी, लोकमान्य शिरडी के मेहमान हैं। यहां इनकी रक्षा की जिम्मेदारी शिरडी के इंसानों की ही नहीं, हर प्राणी धूल के हर कण की भी है। मन में साई के क्या है कौन जान पाए। यो, स्टॉप, रुको, कौन है तुम? साहब, आगे मत जाइए। कौन रोकेगा हमको? तुम? नहीं नहीं, मैं नहीं, टिड्डी। टिड्डी? हाँ, उधर खेतों में टिड्डियों ने हमला कर दिया है, बहुत खतरा है। मैं खुद अपनी जान बचाकर भागा हूँ। हमारा शिरडी जाना बहुत जरूरी है। तो साहब, फिर आप जंगल के रास्ते से चले जाइए। जंगल के रास्ते से? हाँ। Okay. Oh my God! Come on, run! मदद के लिए शुक्रिया, लेकिन फसल को नुकसान मत पहुंचाना।
तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया ओम साई ओम। साई, हम इस देश की स्वतंत्रता के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं और हमें विश्वास है एक दिन ये स्वप्न अवश्य पूरा होगा। स्वतंत्रता क्या है लोकमान्य? जहां कोई किसी की गुलामी न करे, अपना विचार खुलकर रखने में किसी का डर न हो, अपना निर्णय खुद ले सके और उसके परिणामों के प्रति हम जिम्मेदार बन सके। जब हमारी मिट्टी की, इस जननी के हाथ पांव की बेड़िया खुल जाए, मैंने तो ऐसी आजादी का स्वप्न देखा है। लोकमान्य, अगर किसी नवजात को दौड़ने भागने की शक्ति मिल जाए तो वो जरूर गिरेगा, उसे चोट भी लगेगी। इसीलिए मालिक हमें कुछ तभी देता है जब हम उसके योग्य बने, उसके लिए तैयार हों। जब सब लोग आजादी की शक्ति और उसकी जिम्मेदारी समझने लगेंगे, जब स्वराज्य का सही मतलब समझने लगेंगे, उस दिन आजादी महज स्वप्न नहीं रह जाएगी। मैं उस दिन के लिए मालिक से प्रार्थना करूंगा लोकमान्य, और मैं उस दिन के लिए हर दिन संघर्ष करता रहूंगा। पर अब देखता हूं कि कभी कभी शरीर साथ नहीं देता। इतना बड़ा दायित्व उठाया है, इतना कुछ शेष है। बड़ी ग्लानी होती है जब पहले जितनी शक्ति से, जितनी ऊर्जा से काम नहीं कर पाता हूं। के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। आप भारत माता के भाल तिलक हैं, लेकिन अपने बारे में सोचना स्वार्थ नहीं है लोकमान्य। सही, मैं समझाने। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। उपनिषद कहते हैं कि सारे धर्म कर्तव्यों को पूरा करने का सबसे पहला माध्यम शरीर है। मन को स्वस्थ रखने के लिए उसे विश्राम देना जरूरी है। आपका जीवन,
आपके कर्म इस देश के लिए, देशवासियों के लिए अमूल्य है। इसीलिए आपकी अपने लक्ष्य के प्रति जितनी जिम्मेदारी है, उतनी ही जिम्मेदारी अपने शरीर के प्रति भी होनी चाहिए। पहले अपनी सेहत का ध्यान रखिए, क्योंकि अपनी आत्मा, अपने देह को स्वस्थ रखना हर इंसान की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। मगर साईं, अभी तो लड़ाई शेष, मैं विश्राम कैसे करूं? इस संसार में हर व्यक्ति के जीवन का एक ना एक उद्देश्य होता है। लोकमान्य, आपने जो राष्ट्रीयता की नींव डाली है, आजादी की जो नींव डाली है, उसने पूरे भारत को एक डोर में पिरो दिया है। ये साधारण उपलब्धि नहीं है, एक अच्छे नायक का प्रमाण यही है कि वो आने वाली पीढ़ी के लिए एक ऐसी उर्वर भूमि देकर जाए जिसमें उनके भविष्य के लिए उम्मीद हो। अब उस उम्मीद का आने वाली पीढ़ी क्या करेगी, ये तो आने वाली पीढ़ी की योग्यता पर निर्भर करता है। आप स्वतंत्रता संग्राम को उस मोड़ तक ले आए हैं, अब समय है और लोगों के जुड़ने का, इस संघर्ष को आगे बढ़ाने का। और मैं जानता हूं आपकी अगली चिंता क्या है, और उसका उत्तर है हां। इस संग्राम को उसकी सफलता तक ले जाने के लिए इस भारत मां के कई सपूत, कई बलिदानी आएंगे जो आपके दिखाए रास्ते पर चलेंगे, इस मिट्टी का गौरव बढ़ाएंगे। आपका स्वराज्य का स्वप्न यथार्थ में परिवर्तित होगा लोकमान्य। गुलामी से मुक्ति पाना भी तो एक धर्म युद्ध है, इसलिए आपके कर्म धर्म संगत हैं। आपके लक्ष्य को साकार करने के लिए कोई ना कोई धर्म पारायण इंसान आएगा, इस धरोहर को उसके चरमोत्कर्ष तक पहुंचाने के लिए। खबरड़ी जी, आपने लोकमान्य जी को शिरडी लाकर शिरडी का भाग्योदय कर दिया। बाबा, सब आपकी इच्छा, आपकी कृपा, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। बाबा, अब विदा लेने का समय आ गया है। लोकमान्य जी को आगे भी जाना है और यहां अधिक समय रुकना भी ठीक नहीं है। अब आगे दीजिए साईं। धूप बहुत तेज है लोकमान्य, इस वक्त यात्रा करना ठीक नहीं। आपके लिए श्यामा के घर से भोजन आता ही होगा, भोजन ग्रहण करके ही आगे बढ़िएगा। जंगली सुअर, लगता है पूरा झुंड है। साई, आप भी खाने बैठिए, मैं भोजन परोसता हूं। ठीक है। ये तो बेसन है।
लेकिन लोकमान्य जी को तो बेसन खाने से शरीर में फोड़े हो जाते हैं। कौन है वहां पे? तुम कौन है? तुम हम पे गोली चलाता है? मैं कुलकर्णी सरकार शिरडी का मुखिया हूँ। मैंने गोली आप लोगों पे नहीं चलाई, जंगली सोरों पे चलाई, पूरी फसल नष्ट कर दी इन्होंने। लेकिन आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हम लोग शिरडी जा रहा है, रास्ता भूल गए। वो ठेला को आज पकड़ने का है, वरना वो भाग जाएगा। हमेशा बच जाता है, लेकिन इस बार उसको नहीं छोड़ूंगा। लोकमान्य तिलक शिरडी में? तब तो मैं जानता हूं कि वो किससे मिलने आया है। मुझे तो पहले ही संदेह था उस फकीर पे। आज सबको रंगे हाथ पकड़ेंगे। मैं आपको वहां ले चलता हूं, लेकिन एक बात बताइए, अगर ये सिद्ध हुआ कि लोकमान्य तिलक को उस फकीर ने शरण दी हुई है तो? जो हम उस फकीर को अरेस्ट करेगा और ब्रिटिश सरकार का कानून से उसे पनिशमेंट देगा, सजा देगा। हरिओम हरिओम। लोकमान्य, भोजन ग्रहण कीजिए। लेकिन आपको बेसन पचता नहीं है, पूरे बदन पे फोड़े फूटने लगते हैं, फिर आप ये कैसे खाएंगे? जिनकी इच्छा से आज हमें शिरडी में आने का सौभाग्य मिला, जो हर किसी की दुख सुख का ख्याल रखता है, उनके सानिध्य में प्राप्त हुई बेसन मात्र बेसन नहीं, उनका प्रसाद है। विश्वास कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी। और इंस्पेक्टर साहब, यह पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी उस फकीर ने अंग्रेज सरकार के शत्रुओं को शरण दी है, लेकिन कभी पकड़ा नहीं गया। लेकिन आज नहीं छूटेगा वो। ईश्वर मेरे साथ है फकीर, इस बार एक तीर से दो निशाने लगाऊंगा मैं। बड़ा या लोकमान्य तिलक को शरण देने वाला, हरिओम। साथ जो लोग थे उनमें, नहीं नहीं, मैं विश्वास के साथ तो नहीं कह सकता सरकार, पर मुझे लगा जो उनके साथ लोग थे उनमें से एक लोकमान्य तिलक। हाँ सरकार, लोकमान्य तिलक। मेरा शक सही निकला। चलो चलो। लोकमान्य, पूना सीधे रास्ते से जाने के बजाय कोपरगांव, विजापुर और औरंगाबाद होकर जाइएगा।
लेकिन ये तो बहुत लंबा रास्ता है, 3 गुना समय लगेगा। हाँ, लेकिन लंबे रास्ते से जाएंगे तो बेसन से तकलीफ नहीं होगी। बेसन से तकलीफ? वो लोकमान्य जी को बेसन पचता नहीं है और द्वारका माई में जो भोजन किया उसमें बेसन था। इन्होंने ग्रहण किया लेकिन इन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई। साई, जिससे भी आपके बारे में सुना था यही सुना था कि आपसे कुछ भी छुपा नहीं है, आज देख भी लिया। आप क्या कहना चाह रहे हैं मैं समझ गया सही। मैं आपके बताए हुए रास्ते से ही पूना जाऊंगा। प्रस्थान करना चाहिए। जी चलता हूं। पिताजी, पुलिस के साथ? कहीं उन्होंने बैलगाड़ी देख ली तो? कहां से आ गया? कहां गया वो? कौन? कौन? अंग्रेजों का शत्रु लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। इस फकीर ने छुपाया उसे। लोकमान्य तिलक यहां शिरडी में अगर होते तो साथ ही नजर आते। अर्थात उन विरोधियों को भगाने में सहायता की है इसने। देख क्या रहे हैं, पकड़ लीजिए इसे, गिरफ्तार कर लीजिए।
किस आधार पर पिताजी? और आपके पास सबूत क्या है कि लोकमान्य तिलक यहाँ थे? मैं सबूत हूँ, मैंने देखा है उस लोकमान्य तिलक को। सुन लिया? और ये ऐसे नहीं उगलेगा, इसे गिरफ्तार कर लीजिए और चार डंडे मारिए, अपने आप बताएगा ये। सच सच बताओ, तिलक कहाँ है? वो यहां नहीं है, ये तो तय है। अगर आप पूछताछ करेंगे तो यहां कोई कुछ जवाब देगा और कोई कुछ। फिर भी आप पूछताछ करके अपना समय बर्बाद करना चाहेंगे? आपको तो ये सोचना चाहिए कि तिलक यहां से कहां गए। पूना, मुझे पहले ही खबर मिल गई थी कि वो पूना जाने वाला है। इसलिए मैंने पूना के रास्ते में अपने सिपाही लगा दिए हैं। तिलक यहां से तो निकल गया है, लेकिन पूना नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि रास्ते में मेरे सिपाही उसे पकड़ लेंगे। अति उत्तम, अब इसे गिरफ्तार कर लीजिए। वैसे ही पकड़ के मैं क्या करूंगा? ये तो भिखारी है और मैंने इससे पूछताछ में जो भी पूछा इसने झूठ नहीं बोला है। इसे अरेस्ट करके क्या मिलेगा? मेरा टारगेट तो तिलक है। राम जी भला करें। हरिओम। आपको पता था कि पूना जाने वाले रास्ते पर सिपाही तैनात है, इसलिए आपने लोकमान्य तिलक जी को दूसरे रास्ते भेजा। उनकी नियति में आज गिरफ्तार होना ही नहीं लिखा था केशव, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूं इसमें। बाबा, मैं अजवाइन का पानी ले आया। काशी, अब आज से तुम्हें रोज ये पानी पीना है, 5 चम्मच। इसे पीते पीते तुम्हारी शराब की इच्छा धीरे धीरे मरने लगेगी। नशा मुक्ति की यात्रा में ये पहला पड़ाव है तुम्हारा, बाकी मालिक की मर्जी और तुम्हारी ईमानदारी। मैं मेहनत करूंगा सर, जो आपने मुझ पे विश्वास दिखाया है मैं उसे कभी टूटने नहीं दूंगा। राम जी तुम्हारे इस हौसले को बनाए रखें। मुझे तो साईं के लिए अफसोस हो रहा है, इस बार इन्होंने कुत्ते की दुम को सीधी करने का जिम्मा ले लिया है। ऐसा पहली बार होगा
जब साईं को असफलता हाथ लगेगी। मुझे साइकिल चाहिए। जिद मत कर, नहीं दिला सकता तो नहीं दिला सकता। लेकिन क्यों? तुझे पता भी है साइकिल कितनी महंगी आती है? आपकी रोज के शराब से भी महंगी। बोला ये आप क्या कह रहे हैं दादा? काशीनाथ की शराब की लत छूटने वाली थोड़ी ना है। द्वारका माई में मुफ्त की रोटियां तोड़ेगा और साईं को परेशान करेगा। भोला बेटा, तू उदास मत होना, जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। साईं पे विश्वास रख। मैं आज इसलिए उदास हूँ कि सब कुछ मेरे कारण हुआ है। तेरे कारण? ना बेटा ना, तू ऐसा क्यों कह रहा है? इसमें भला तेरी क्या गलती हो सकती है? आजी, मेरी गलती है। मैं अगर अपने बाबा से साइकिल लेने की जिद न करता तो मुझ पर गुस्सा नहीं होते। सब कुछ मेरे कारण हुआ है। मैं बहुत बुरा हूँ, मेरे वजह से आप लोग परेशान हैं। भोला बेटा, तूने कुछ नहीं किया है। अगर तुझे विश्वास नहीं होता तो अपनी आई से पूछ लेना, वो भी यही कहेगी जो मैंने कहा है। और जहां तक तेरे बाबा का प्रश्न है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन साई ने मुझे आश्वस्त किया था कि साई की तो आदत है बुरे से बुरे इंसान में भी अच्छाई ढूंढने की। लेकिन काशीनाथ भाव को साई हमसे बेहतर नहीं जानते। बहू ठीक कह रही है, काशीनाथ सुधरने वाला नहीं है। ईंट के भट्टे पर एक नौकरी है जहां उसके लिए उसे हर महीने तनख्वाह मिलेगी, ना कि रोज की दिहाड़ी मजदूरी। रेणु, तुम कल ही जाओ और उसे द्वारका माई से लेकर आओ। शराब छूटे ना छूटे, नौकरी नहीं छूटनी चाहिए। लोकमान्य तिलक को तो बचाने में सफल रहा वो बैरागी, लेकिन अब दिखाता हूं मैं उसे जीतना किसे कहते हैं। उस पाखंडी की चाल को मैं अच्छी तरह से समझ गया हूँ। उस काशीनाथ को उसने खंडर में इसलिए शरण दी हुई है ताकि वो नजरों के सामने रहे हमेशा, शराब पीने के लिए न जाने पाए। लेकिन वो मुझे नहीं जानता। मेरे पास वो योजना है जिससे मैं उसकी आंखों में धूल झोंक कर अपना उल्लू सीधा कर दूंगा। परंतु सरकार, मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हें समझने की नहीं, आदेश की पूर्ति करने की आवश्यकता है संता। जी सरकार। संध्या काल से ही खंडर के बाहर गिद्ध दृष्टि जमाए खड़े रहना है तुम्हें। काशीनाथ कभी ना कभी तो बाहर आएगा, और जैसे ही बाहर आएगा उसे वही दबोच लूं। ठीक है, लेकिन सरकार अगर वो बाहर नहीं आया तो तुम लोग अंदर चले जाओ। परंतु सरकार, हमें अंदर जाकर करना क्या है? हरिओम हरिओम, ये भी मुझे ही बताना पड़ेगा। सुनो, हरिओम। जी सरकार। तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो कि मेरे साथ रहने से तुम्हें मौत भरी लग रही है? आपसे नहीं, आपकी नशे की लत से। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी,
लेकिन अगर इनकी शराब की लत नहीं छूटी तो मैं और भोला इनसे दूर चले जाएंगे। मैं सौगंध खाती हूं, मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। काशीनाथ, जानते हो साईं के शरण में आने के बाद चिंताओं के लिए कोई स्थान नहीं होता, क्योंकि साईं चिंताओं से मुक्त करते हैं। साईं की मानता तो मैंने अपनी आंखों से देखी है, लेकिन आप नहीं जानती इस नशे की लत क्या है। मुझे तो डर लग रहा है, अगर मैं असफल हो गया तो मैं साईं को भी निराश कर दूंगा। पीने की तो लत मुझे भी लगी थी, इसलिए मैं समझ सकता हूं कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। ऐसा लगता था जैसे मेरे भीतर अंधेरा है जिसने मुझे पीने के लिए मजबूर किया हुआ है। बेचैनी सी होती थी, हर समय घबराहट। ऐसा लगता था जैसे मेरा खुद पे कोई नियंत्रण नहीं है। लेकिन तब साई ने मेरी मदद की। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि वो मेरी मदद कर सकते हैं, पर साई के ही आशीर्वाद से मैंने शराब छोड़ दी। अच्छा लगा सुनकर कि मैं अकेला नहीं हूं। धन्यवाद छोटे सरकार। मुझे केशव कहो कि द्वारका माई है और यहां सब बराबर है। आपकी बातें सुनकर आज मुझे भी पहली बार ऐसा लग रहा है कि मैं भी इस लत को छोड़ सकता हूं। भाव अपनी लत को कभी हरा नहीं पाएंगे, इसीलिए तुम खुद को झूठी तसल्ली देना बंद करो रेनु। जैसा भी पति मिले उसे नेति समझकर स्वीकार कर लेना चाहिए। अब तुम्हारी किस्मत में है नकारा पति, तो मान लो ना, स्वीकार कर लो उसे, क्योंकि हम तो हैं ही तुम्हारी मदद के लिए। आज तक तो हमारे रहमो करम पर ही कटती आई है तुम्हारी जिंदगी, आगे भी ऐसे ही आराम से कट जाएगी। पर काशीनाथ भाव को यहाँ द्वारका माई में रखकर ससुराल वालों का समाज के सामने मजाक मत बनाओ। ऐसा कैसे बोल सकते हैं आप लोग? काशीनाथ, आपका बेटा, आपका सगा भाई, खुद को एक बेहतर इंसान बनाने की, नशे की बुरी लत से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में आपको उसकी पत्नी का आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए, और आप उसका मनोबल गिरा रहे हैं। बुरे वक्त में तो पराये भी मदद करते हैं। ये काशीनाथ का दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है कि उसके अपने ही उसका साथ नहीं दे रहे हैं। माना कि आपको काशीनाथ पर भरोसा नहीं रहा, लेकिन साईं पर तो भरोसा कर सकते हैं ना। काशीनाथ अपनी बुराई पर जीत हासिल करेगा,
ये मेरा यकीन है। आप सब तो उसके अपने हैं। देखिए, अब ये आप पर निर्भर है कि आप उसकी इस जंग में उसे हतोत्साहित करके हराना चाहते हैं या फिर प्रोत्साहित करके जिताना चाहते हैं। भाईजा काकी ठीक कह रही है, चमत्कार तो होगा, मुझे पूरा भरोसा है। भोला के बाबा ठीक होकर वापस जरूर आएंगे। आप करे ना करे, मुझे साई पर पूरा भरोसा है। जी की पूजा के लिए माला देने की सोच रहा था, तुम एक माला गूंथ दोगे मेरे लिए? मैं जानता हूं काशीनाथ, तुम खंडोबाजी की सेवा करना चाहते हो। पूजा ना से माला बनाकर ही उनकी सेवा कर लो। बनाओगे? जरूर सही। और हाँ, एक एक फूल पिरोते हुए राम का नाम लेना। ऐसा करने से तुम्हारा मन विचलित नहीं होगा। जी जरूर। साई जय श्री राम। श्री राम राम जय राम राम श्री राम राम जय राम जय श्री राम श्री राम। राम राम जय राम राम जय राम राम जय राम राम जय श्री राम। साई और खंडोबाजी को मैं निराश नहीं कर सकता। तुम्हारा मन बहुत विचलित लग रहा है। हर हमदासी जी, मुझ में दोष है,
मैं कोशिश कर रहा हूं अपने दोषों से बाहर निकलने की, लेकिन मन है कि मानता ही नहीं। मुझे सब पता चल चुका है तुम्हारे बारे में। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, शायद इससे तुम्हारा मन बहल जाए। साई बाबा अभी कह रहे थे तुम्हें खंडोबा जी की पूजा करनी है, तो क्यों ना मैं तुम्हें उन्हीं के बारे में बताऊं। खंडोबा जी भगवान शिव का अवतार है। प्राचीन काल में मल्ल और मणि नाम के दो दैत्य भाई थे। उन्होंने ब्रह्मा जी से अजय होने का वरदान प्राप्त कर लिया। उसके बाद वो दोनों भाई निरंकुश और अत्याचारी होने लगे। सारी पृथ्वी पर उन्होंने अराजकता फैला दी। ऋषि मुनि त्राहिमान त्राहिमान करने लगे। तभी सप्त ऋषियों ने भगवान शिव और विष्णु जी की पूजा करके उनसे मदद मांगी। उनकी सहायता के लिए भगवान शिव ने मार्तंड भैरव का रूप धारण किया, जिन्हें लोग खंडोबा भी कहते हैं। नंदी बैल पर सवार होकर मार्तंड भैरव उन दोनों राक्षसों से लड़ने के लिए रणभूमि में आए और देवताओं की सेना का नेतृत्व किया। समर भूमि में उनकी आभा सूरज की तरह दमक रही थी, शरीर हल्दी से धनका, तीन नेत्रों वाले, माथे पर अर्धचंद्र। संता जी, ये काशीनाथ तो अंदर ही बैठा हुआ है। हाँ संता जी, जब वो बाहर आएगा तभी तो कुछ कर पाएंगे हम। उसे बाहर निकालने के लिए कोई उपाय सोचना पड़ेगा।